बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले, लखो तक सहरा, तुंदो तेज दरिया, खूबसूरत वादियाँ, खेत खलियान, हर तरह के मौसम और सदियों पुरानी सकाफत और तहजीब हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान की सकाफत और तहजीब पूरी दुनिया में मुनफरिद और कदीम है। सियाहत से माला माल हमारे पाकिस्तान में अभी भी बहुत से ऐसे सियाहती मकामात और सदियों पुरानी सकाफत मौजूद है जिसे डिस्कवर करके हम सियाहत को मजीद फरोग दे सकते हैं। मौसम बहार की खुशी में मनाए जाने वाले सदियों पुराने त्योहार चिल्लम जोशी को दिखाने का एहतमाम किया है जो पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। अपनी सकाफत और रिवायात को सदियों से बरकरार रखे हुए ये लोग पाकिस्तान की हसीन तरीन वादी वादी कैलाश में बसते हैं। लाहौर से तकरीबन 760 किलोमीटर की मुसाफत पर वाकई वादी कैलाश का सफर मोटरवे से शुरू होकर सवात की हसीन तरीन वादियों, दिलकश नज़ारों, बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों और बहते चश्मों के साथ साथ चलता है। यहाँ थोड़े थोड़े फासले पर मुनफरिद सकाफत, जुबान, लिबास और मज़हब देखने को मिलता है। अपनी अपनी रिवायात को आज भी बरकरार रखे हुए ये लोग न सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरती बल्कि पहचान भी हैं। दरगई, दीर, लवारी टनल और आयोन से होते हुए आप कैलाश की हसीन तरीन वादियों में दाखिल हो जाते हैं। कैलाश जो कि खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली जिला चित्राल में कोई हिंदुकश के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों और हरे भरे दरख्तों के दरमियान वाके ये हसीन तरीन वादियाँ कैलाश की हैं। इस दौरे जदीद में भी अपनी रिवायात और सकाफत को सदियों से कायम रखे हुए तकरीबन 4000 के करीब कैलाशी कैलाश की हसीन तरीन वादियों बम्बुरेत, रंबोर और बरीर में बसते हैं। इन कैलाशियों की इब्तदा से मुतालिक हतमी राय कायम करना मुमकिन नहीं, ताहम इस ज़म में मुख्तलिफ मौर्रखीन के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कैलाशियों की सकाफत इनके मज़हब से मंसूब मुख्तलिफ त्यौहारों से जुड़ी है। पढ़े लिखे और बाशऊर होने के साथ साथ अपनी सदियों पुरानी सकाफत को जिंदा रखे हुए ये लोग हमारे मुल्क का असासा और हमारी शान भी हैं। अक्वामे मुत्तहदा के इदारे यूनेस्को ने कैलाशी कबीले की मुनफरिद और कदीम सकाफत को आलमी सकाफतों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। कैलाशी मुनफरिद तर्ज का ये अनोखा त्यौहार हर साल बहार की आमद पर मनाते हैं। पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने और मौसम बहार की आमद की खुशी में मनाया जाने वाला ये त्यौहार कैलाश की तीनों वादियों में एक साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार योशी त्यौहार कहलाता है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह इस त्यौहार को देखने वादिये कैलाश आते हैं। कैलाशी बाशिंदे इस त्यौहार में मुनफरिद रक्स के जरिए अपनी फसलों और जानवरों के लिए दुआ करते हैं। ये त्यौहार कैलाशी तहजीब में सबसे अहम त्यौहार तसव्वुर किया जाता है जो इनकी इबादत भी है और सकाफत भी। इसीलिए ये त्यौहार इनकी रूहानी ताजगी के साथ साथ जिस्मानी मसरत का बाइस भी है। मर्द रिवायती शलवार कमीज और टोपियाँ जबकि औरतें काले रंग की लंबी सूती कमीजें पहनती हैं। इनके लिबास में दिलचस्प पहनावा इनकी टोपियाँ हैं जिन पर मूंगे और सीपियों का खूबसूरत काम किया गया है। इन कैलाशी खवातीन का रंग बिरंगा लिबास ही इनकी कदीम और मुनफरिद सकाफत की खूबसूरती और सयाहों की दिलचस्पी का बाइस है। मुल्की
और गैर मुल्की खातीन सयाह यहाँ के रंगों में रंग जाती हैं। इस त्यौहार की सबसे मुनफरिद बात यहाँ की मुश्तरका शादियाँ हैं। मर्दों और औरतों को अपनी मर्जी का शरीक हयात चुनने का भरपूर हक हासिल होता है। त्यौहार में कैलाश के मर्द अखरोट की टहनियाँ और पत्ते हाथों में लिए इन्हें लहरा लहरा कर अलग से जमा हो जाते हैं। खातीन भी हाथों में सरसब्ज पत्ते लिए इन्हें लहराते मर्दों का इंतज़ार करती हैं। ऐसा मंजर आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। आज पूरा कैलाश यहाँ बम्बुरेत में इकट्ठा है। सबके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट है जो शायद कहीं और देखने को ना मिले। ये मौसम बहार की खुशी है। जितने खूबसूरत ये लोग रक्स करते नजर आ रहे हैं उतने ही ये अंदर से भी खूबसूरत हैं। तारीख की किताबों में इनकी तादाद 50,000 से भी ज़्यादा थी, मगर वक्त के साथ साथ ये खूबसूरत सकाफत और बाशिंदे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। यही वक्त है कि हुकूमती और इनफरादी सतह पर ऐसे इकदामात उठाए जाएं कि जिससे इस कदीमी सकाफत और तहजीब को हमारी आइंदा आने वाली नस्लों और दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए हमेशा जिंदा रखा जा सके।